तो हेलो गाइस, आज है रक्षाबंधन और ये जो है राखी का त्यौहार। आज राखी बंधवानी है और जो है हमारी सिस्टर सारी चीज़ें तैयारी जो है कर ली हैं। अब जो है बंधवाने का और जो मिठाई खाने का जो है समय आ चुका है और यही एक दिन है जहाँ पे काफ़ी सारे मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग जो बहनें होती हैं वो ले लेके रखती हैं, ताकि एक अच्छा त्यौहार जो रक्षाबंधन का भाई बहनों का जो जो प्रेम होता है उसको अच्छे तरीके से निभा पाए। और ये एक अच्छा दिन होता है, बहुत शुभ दिन मान के चलिए रक्षाबंधन को जो त्यौहार है वो। और उसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें अभी तैयारी हो चुकी हैं और एक यादगार लम्हा जो ये होता है रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो, और एक पवित्र और अटूट अटूट रिश्ता जो है भाई बहन का जो है त्यौहार जो है वो होता है। और इसी तरीके से जो है आज के ये वीडियोस हैं हमारी, और इस तरीके से भी आप अपने बहन भाई बहन के साथ में इसी तरीके से त्यौहार मनाते होंगे। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी बहन है, जो सिस्टर है, उन्होंने खास खास बोले तो ये जो राखियाँ हैं वो मेरे लिए बनाई हैं अपने हाथों से, तो ये मेरे फेवरेट हैं, सबसे अच्छी। तो इसे देखते हैं, इतनी बड़ी राखी अभी तक मैंने नहीं बनवाई थी, तो आज ये बड़ी वाली राखी बांधेंगे। यही एक अच्छा त्यौहार होता है जो कि हमारे देश का सबसे अच्छा, और एक पवित्र बंधन जो होती है भाई और बहनों का, वो सारी चीजें इस त्यौहार में की जाती हैं। और बहुत शुभ दिन और बहुत खुशी का दिन है। लेकिन एक चीज है, एक हमारी छोटी बहन है ये, और एक हमारी जो है बड़ी बहन है वो आई है, उनसे तो मैं काफी नाराज हूँ। और पिछले साल भी नहीं आई थी, इस साल क्या है अभी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, 2-3 दिनों से यहाँ लगातार बारिश हुई है, तो उनके वजह से वो नहीं पहुंच पाई है। और उन्होंने अपना राखी इनको दे दी है कि आप इनको बांध देना, भाइयों को बांध देना ऐसा। तो खैर वो दीदी आती तो और अच्छा होता और साथ में मिल के ये त्योहार जो है अच्छे तरीके से मनाते। लेकिन जो अभी की जो चीजें हैं उसके लिए ये सारी चीजें हैं, और मिठाइयाँ देख के थोड़ी सी मन में क्या बोल सकते हैं, लालच लालच जो है दौड़ रही है। तो अभी बारी मेरी है बनवाने की, अभी इनका चल रहा है। तो गाइस अभी जो है हमारा राखी बंधवाने का और जो रक्षाबंधन का जो चीजें थी वो सारी चीजें हो गई। और एक चीज मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो राखियां आपको दिख रही है, तो बड़े प्यार से मेरी बहन ने ये राखियां बनाई हुई, कितनी बड़ी और कितनी अच्छी दिख रही हुई। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो बहुत ही सुंदर तरीके से ये बनाई हुई है, और मैंने शौक से इसे बनवाया था कि एक अच्छा सा राखी बनाओ और जो कि देखने में और पहनने में काफी अच्छा लगे। सो कुछ इस तरीके से ये राखी बनी हुई है। ये दरअसल जो पेपर्स होते हैं ना, वेस्टेज पेपर, उनसे ये बनाई है। और उसके बाद मेरे लिए खास एक रुद्राक्ष की राखी जो है उन्होंने बनाई थी। सो कुछ इस तरीके से जो है हमने ये आज का जो त्योहार है वो बनाया, और काफी अच्छे तरीके से बनाया। और इसी तरीके से उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से त्यौहार मनाए होंगे और काफी अच्छे तरीके से जो है भाई बहन का जो त्यौहार है राखी का वो मनाए होंगे। और जो है मैं अपनी बहन को तो ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं दे पाया इस टाइम, और शगुन के रूप में मैंने कुछ रुपये दिए थे, कुछ पैसे दिए थे, और मिठाई भी काफ़ी सारे जो है खा लिए हैं।
और काफ़ी सारे मैं खाने के लिए काफ़ी शौकीन हूँ। सो बस गाइस, आज के लिए ये वीडियो हमारा यहीं तक, और उम्मीद यही है कि आप भी ये त्यौहार बड़े धूमधाम से और बड़े अच्छे तरीके से मनाए होंगे। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में, और उम्मीद यही रहेगी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।